है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। स्वागत है आप सभी का लाइफ आई स्टडी पर। देखिए, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 160 तक। त्रिकोणमिति में 160 क्वेश्चन हम कर चुके हैं टाइप 2 के, और आज हम 160 से आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 160 से आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कोस स्क्वायर 18 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1 अपॉन कोट स्क्वायर 72 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको क्या कह रहा है, वो सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इसको ऐसे लिखा कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस ये कोट जो है नीचे है, ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, टेन। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 72 डिग्री। ठीक, अब यहां पर जब हम इसे चेंज करेंगे, टेन 72 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखो आप अलग से, टेन 72 को हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 18 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास टेन 90 माइनस थीटा, याद कीजिए मैंने आपको टेन 90 माइनस थीटा बताया था कोट थीटा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कोट 18 डिग्री। तो कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक, और याद कीजिए मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी शुरुआती लेक्चर में। ठीक, तो उसी से मैंने आपको दो आइडेंटिटी और निकालने सिखाई थी, टोटल हो गई थी हमारे पास तीन। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होती है, 1। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ पर क्या होगा, 1 आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 162। हमेशा की तरह अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा और अपने किसी भी स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162 में क्या बोला गया है। 162 दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस कोस स्क्वायर बीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर बीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये सब कुछ आपको गिवन है, इसी को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। यहां पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या बनेगा आपका, कोस स्क्वायर अल्फा, ये आप लोग भी जानते हैं, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो हमारे पास ब्रैकेट है ये 1 प्लस कोस स्क्वायर बीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर ये यहां पर आपका कोस नहीं है मेरे ख्याल से, ये कोट है, बुक में मिसप्रिंट है, ये क्या है आपका, कोट है यहां पर। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर बीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर बीटा आपके पास क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर बीटा, कोसेक स्क्वायर बीटा, इसको आप बुक में करेक्ट कर लीजिएगा, बुक में कोस दिया हुआ है, कोस नहीं है कोट। 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर बीटा। ठीक है, हाँ जी, अब देखिए यहां पर हमें कंडीशन दी हुई है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, या 60 नहीं है 90 है, एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है। ठीक है, ये 60 नहीं है, ये आपका है 90, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा,
ये 90 आपके यहाँ कितना है 90। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हैं, जो हमारे पास गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से हम क्या करते हैं, बीटा को लेके चले गए इधर, तो ये हो गया 90 माइनस बीटा, ठीक। इधर बचा आपके पास अल्फा, अच्छा या एक काम करो आप अल्फा को इधर लेके चले जाओ, तो यहां पर हो जाएगा माइनस अल्फा, इधर बचेगा बीटा, ठीक। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इसको एज इट इज रखवा रहा हूँ आपसे और इसको एज इट इज रखवा रहा हूँ, आपकी मर्जी है आप दोनों बीटा वाले एज इट इज रख लो, ठीक। लेकिन चाहो तो आप इनको रख सकते हो एज इट इज और इनको चेंज कर सकते हो, या इनको एज इट इज रख सकते हो इनको चेंज कर सकते हो। तो आप देखो दोनों तरफ मैं क्या लगा रहा हूँ इसमें कोसेक, दोनों तरफ मैंने कोसेक अप्लाई कर दिया, तो कोसेक 90 माइनस अल्फा, कोसेक 90 माइनस अल्फा क्या बनेगा आपके पास sec अल्फा, क्या बनेगा sec अल्फा। तो ये cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है इसको हमने चेंज कर लिया, क्या बना sec अल्फा, अगर यहां स्क्वायर अप्लाई करते तो ये क्या बनता sec स्क्वायर अल्फा, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही यहां पर जब हम इसमें अप्लाई करेंगे sec स्क्वायर बीटा, इधर लगेगा sec स्क्वायर बीटा 90 माइनस अल्फा, तो sec किस में बदलेगा आपका, sec बदलेगा cosec में, cosec स्क्वायर अल्फा, तो यहां पर आ जाएगा sec की जगह cosec स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहां पर sec sin स्क्वायर अल्फा और cosec स्क्वायर अल्फा एक दूसरे के अपोजिट है, कट जाएंगे, मतलब जब भी साइन स्क्वायर या साइन थीटा के साथ कोस थीटा आए, मैंने आपको लिखवा रखे हैं तीन रिजल्ट, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, याद कीजिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन लिखवाया था, ठीक। ऐसे ही कोस थीटा इंटू सेक थीटा वन लिखवाया था मैंने आपको, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा ये भी मैंने आपको क्या लिखवाया था, वन लिखवाया था, ठीक है ना। तो ये आपको तीन रिजल्ट ध्यान रखने हैं, अगर साइन के साथ कोस है, बस ध्यान क्या रखना है आपको एंगल सेम होना चाहिए, एंगल क्या हो सेम हो तो ऑलवेज ये मल्टीप्लाई इनका वन हो जाता है। ऐसे ही कोस स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा क्या जाएगा वन, पूरा कट करके वन हो गया है, तो आपका आंसर क्या जाएगा वन आ जाएगा, ठीक है। इजी है, बस आप धीरे से ध्यान से सुने, इसके बाद कॉपी में उसको नोट डाउन करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा अब 163। देखिए एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी आपसे जो है अधूरा नहीं छोड़ता हूँ मैं आपको, ठीक। हर चीज पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता करके चलता हूँ, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर रहे। बाकी अगर फिर भी आप इस वीडियो पर नए स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको अपनी जो एडवाइस दूंगा, आप पहले लेक्चर से स्टार्ट करें और वन बाई वन करके देखें, तभी आपको बहुत ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 163। देखिए 163 क्वेश्चन में क्या है, √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, और वैल्यू निकलवा रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। यहां पर सबसे पहले √3 से ये 3 कितनी टाइम कटेगा, √3 टाइम कटेगा, ठीक। तो यहां पर tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्योंकि याद कीजिए मैंने आपको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बताया था कि किसके बराबर होता है, टेन के बराबर। तो यहां पर हो गया हमारा √3 और ये हो गया है साइन थीटा, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा भी कट जाएगा। अगर हम कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1/√3। अब कोस थीटा की वैल्यू 1/√3 आ गई है, ठीक है, डायरेक्टली हम कोस थीटा को यहां रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बचा हमारे पास क्या, साइन। तो साइन हम कैसे निकालेंगे, अगर कोस थीटा हमारे पास हो तो हम आसानी साइन निकाल सकते हैं। याद कीजिए मैंने आपको एक छोटा सा
याद करने के लिए फॉर्मूला या ट्रिक जो भी आप कह सकते हैं, लाल बटे कब का, ये बताया था मैंने आपको लाल बटे कब का। इसमें ये वाला जो एल अपॉन के था, ये बताया था साइन के लिए, ये बताया था कोस के लिए, और ये बताया था मैंने आपको टैन के लिए। ठीक, डायरेक्टली आप निकाल लोगे, लेकिन एक बार ध्यान से समझो। तो ये हो गया कोस के लिए आधार बटे कर्ण, दैट मीन्स ये आपका हो गया है आधार और ये हो गया है कर्ण। ठीक है, अब पहले समझो ध्यान से, बहुत ध्यान समझो, कभी भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मैं बता रहा हूँ आप मन में कर लोगे, बट पहले लिसन अच्छे से करो, लिसनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखो, तो आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। हम जानते हैं कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आपके पास क्या है, कर्ण और आधार। आपको पता है कर्ण रूट थ्री है, रूट थ्री यहां रखोगे, आधार उसके जस्ट दूसरी साइड में रखोगे। ठीक है, कर्ण इधर रखोगे, आधार हो या लंब हो हमेशा इस दूसरी साइड में रखा जाएगा। ठीक है, तो कर्ण जब इधर है, कर्ण पहले एक बार समझ लो, कर्ण रूट थ्री इसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, फिर आधार कितना है, वन, तो लंब का स्क्वायर वन का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आएगा। ठीक, और वन इधर आके जाएगा माइनस, और बराबर बचेगा एल स्क्वायर। तो फाइनली आप जो एल की वैल्यू निकालोगे वो आएगी आपकी रूट। तो आपने क्या करना है, एक बात सोचो, आधार की वैल्यू है एक और कर्ण की वैल्यू है रूट थ्री, क्योंकि कर्ण के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के की वैल्यू रखी जाएगी इस साइड और ए की वैल्यू रखी जाएगी दूसरी साइड, तो तीसरी क्वांटिटी क्या बची आपकी, एल। तो एल आपको निकालना है, एल आपको निकालना है, तो एल एक साइड रोकना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड जाएंगी। दूसरी साइड क्या था, के स्क्वायर, के स्क्वायर कितना है, मन में आपने किया के स्क्वायर आएगा थ्री। ठीक, इधर वन का स्क्वायर इधर जाकर घटेगा, थ्री में से टू गया बचा टू, इधर बचा हुआ एल स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर हटेगा क्या बचेगा रूट टू। ये काम आपको मन में करके देखना है, ठीक है, करके देखना हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास डायरेक्टली आपने निकाल लिया मन में कि क्या होगा हमारा, एल बराबर जाएगा रूट टू। तो साइन थीटा, साइन थीटा में आप जानते क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब आपने निकाला कितना आया रूट टू, और कर्ण कितना था यहाँ पर रूट थ्री। ठीक, अब वैल्यू यहां पर रखेंगे साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू। तो देखो, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, दो बटे तीन पूरे का रूट, तो दो बटे तीन पूरे का रूट, और इस वैल्यू क्या करेंगे हम स्क्वायर, माइनस एक बटे रूट तीन, और क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा था स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हट जाएगा, दो बटे कितना आएगा तीन, यहां पर भी एक बटे तीन। ठीक है, तीन नीचे आ गया एलसीएम, और ऊपर दो में से एक गया बचा एक, तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आएगा, एक बटे तीन। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाओ, आराम से चलते चलो, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, सभी फॉर्मूला रिवीजन करो डेली, जब भी आप फ्री हो, पढ़ने का मन ना हो, तो आप फॉर्मूला रिवाइज कर लो। ठीक, फॉर्मूला रिवीजन करने से आपके कॉन्सेप्ट और मजबूत होंगे, तो आप हार नहीं मानोगे, आप करते चलोगे। ठीक है, बहुत आसान लगने लगेगा आपको एडवांस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 164, देखो क्वेश्चन नंबर 164 में आपसे कहा गया है साइन ए प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 164 साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, और वैल्यू आपसे निकलवाना चाहता है वो साइन 75 डिग्री की, साइन 75 डिग्री। देखिए उसने ये कहा है कि आपने वैल्यू निकालनी है साइन 75 डिग्री की, और इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले का यूज करके, इस वाले फॉर्मूले का जो आपको दिया गया है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन ए। तो देखो, इस 75 डिग्री को आप ऐसे दो एंगल में तोड़ो जिनको आप, जिनकी वैल्यू आप डायरेक्ट टेबल से जानते हो। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई 30 प्लस 45 अगर कर देते हैं तो 30 डिग्री भी आपका टेबल में उपस्थित है और 45 डिग्री भी टेबल में आपको मिल जाएगा। इसके सामने क्या लगा हुआ है, साइन। ठीक, अब देखिए बड़ी आसानी से आंसर आपका आ जाएगा, साइन ए प्लस बी, इसको ए इसको बी,
तो ए की जगह 30 रख दो, बी की जगह 45, ए की जगह 30, बी की जगह 45। तो आपका यहीं से मैं बना रहा हूँ इसको, यहीं से बना रहा हूँ। तो ये कितना हो गया साइन 30 कोस, बी की जगह कितना रख रहे हैं 45, ठीक है ना, और प्लस कोस ए की जगह रख दिया 30 और बी की जगह रख दिया हमने 45, ठीक है। चलिए अब डायरेक्टली हम वैल्यू, और हमारे सभी याद है साइन 30 की वैल्यू आप जानते हो 1/2, कोस 45 1/√2, प्लस कोस 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो देखो एलसीएम 2√2, यहां भी 2√2, तो पूरे का एलसीएम आ जाएगा 2√2। ऊपर कितना बचा 1 1 × 1 1 और √3 × 1 √3। तो इस प्रकार आपका जो आंसर आएगा √3 + 1/√2, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, बड़ा आसान है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 65 शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है, जितना हो सके शेयर कीजिए। और हाँ एक चीज और, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे जो हैं आप लोगों में से वीडियो को डाउनलोड करके रख लेते हैं। प्लीज आप ऐसा अगर कर भी रहे हैं तो कोई आपको मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप क्या करो उसको वन टाइम ऑनलाइन देख लो वीडियो को, उसके बाद आप लोग उसको डाउनलोड करके अपने प्लेलिस्ट में सेव कर लेना, ठीक है। मैं ऐसा क्यों आपसे बार बार बोलता हूँ, अगर आप लोग वीडियो ऑनलाइन नहीं देखोगे तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा यूट्यूब पर, उस तक आप जैसे और बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे, वो वीडियो वायरल नहीं हो पाएगा। अब देखो इसका आपको नुकसान क्या झेलना पड़ सकता है, नुकसान आपको ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन रात, आप लोगों को डेली में लेक्चर दे रहा हूँ और मेरे लेक्चर कोई देख ही नहीं रहा है, आप लोग चीट कर रहे हो, तो लेक्चर कोई देखेगा नहीं, मुझे मेरी मेहनत सफल होती नहीं दिखाई देगी, तो स्वाभाविक सी बात है हम लोगों के अंदर क्या आएगा, डिमोटिवेशन, एक डिमोटिवेशन मेरे अंदर होगा और मैं क्या करूंगा मजबूरन वीडियो डालना बंद कर दूंगा। तो प्लीज आप वीडियो को एक बार ऑनलाइन देखें, समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 165 क्वेश्चन नंबर देखिए 165 क्वेश्चन क्या कहा गया है, tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1, ये क्यों है, उसने कहा है थीटा जो है 90 और 0 के बीच का है, कहने का मतलब न्यून कोण है, थीटा क्या है न्यून कोण, तो उसने आपसे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है भाई थीटा ही निकाल दो, ठीक है, बहुत आसान है थीटा निकालना। चलिए कितना आसान है देखते हैं, tan 2 थीटा इधर ही रोक लिया, जब ये वाला पोर्शन tan 3 थीटा का, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा 1/tan बनेगा, 1/tan को हम क्या लिखते हैं cot, ठीक। चलिए हमने लिख दिया इसको cot 3 थीटा। अब याद कीजिए एंगल हम कंपेयर कब कर सकते हैं, जब tan बराबर tan के हो, sin बराबर sin के हो, cos बराबर cos के, तो हम एंगल कंपेयर कर सकते हैं, या तो आप दोनों को tan बनाओ या आप दोनों को cot बनाओ। चलो tan 2 थीटा, जब इसे हम चेंज करेंगे तो कोट, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं कोट नहीं, इसको हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 3 थीटा, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अब टेन बराबर है टेन के, तो एंगल बराबर जाएगा एंगल के, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, माइनस 3 इधर आके प्लस जाएगा तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर कितना 90, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 18 डिग्री, थीटा की वैल्यू है 18 डिग्री, और यही हमारा क्या है यहाँ पर आंसर है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है, जल्दी से नोट कर लो। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट 166 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 166 में आपसे कहा गया है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर बीटा, 166 में कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर बीटा, टेन स्क्वायर बीटा वैल्यू आपसे निकलवाना चाहता है, कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा माइनस
साइन स्क्वायर बीटा, ये वैल्यू आपसे निकलवाना चाहता है। देखिए बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर वैल्यू निकालनी है कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो एक चीज आप सोचो, अगर हम कोस स्क्वायर बीटा या कोस बीटा की वैल्यू निकाल लें, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम कोस बीटा की वैल्यू निकाल लें अलग से और साइन बीटा की वैल्यू निकाल लें अलग से, तो कोस बीटा की जगह कोस बीटा की वैल्यू रखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, साइन बीटा की जगह साइन बीटा की वैल्यू रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे और हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ से कोशिश करते हैं कि कुछ अपनी वैल्यू को निकाला जाए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा है, ठीक, यहां से हम साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हम क्या ले सकते हैं, वन माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, और बराबर है हमारे पास टेन स्क्वायर बीटा। ठीक, यहां से क्या होगा, ध्यान दो, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस, ये प्लस कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो ये दोनों जो यहाँ पर जुड़ जाएंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, टू कोस स्क्वायर अल्फा, ये जाएगा माइनस वन और बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर बीटा। ठीक, ये माइनस वन इधर जाके आ जाएगा प्लस, तो इस माइनस वन को हटा के मैंने कर दिया इधर प्लस। ठीक है, इधर रहा टू कोस स्क्वायर अल्फा वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा, याद कीजिए ये क्या बन जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर बीटा। यहां पर मैंने यूज कर दिया आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी मैंने यहां पर यूज की है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कोस बीटा की, हमारे पास क्या है सेक बीटा, तो हम उल्टा कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं उल्टा, इसको कर देंगे हम कोस स्क्वायर बीटा, सेक का उल्टा कोस, तो इसको भी हम क्या कर देंगे उल्टा, तो जब ये उल्टा होगा तो क्या बन जाएगा, वन अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है वन अपॉन टू कोस स्क्वायर अल्फा, किसकी वैल्यू आई है, कोस स्क्वायर बीटा की। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से साइन स्क्वायर बीटा निकालेंगे। देखिए साइन स्क्वायर बीटा हम कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर बीटा आप जानते हैं ये होता है वन माइनस कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन से वो यूज करते हुए हम जानते हैं साइन स्क्वायर बीटा बराबर होगा वन माइनस कोस स्क्वायर बीटा, तो वन माइनस कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है, वन अपॉन टू कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक, वन मान करके थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका टू कोस स्क्वायर अल्फा, वन की वन में करेंगे वन आएगा और नीचे की नीचे करेंगे आएगा टू कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक, ये आ जाएगा यहाँ पर, तो वैल्यू आ गई है हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा की भी और कोस स्क्वायर बीटा की भी, ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हम दोनों वैल्यू को यहाँ रखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक, हम जानते हैं कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये हमें निकालना है, तो हम क्या करें, कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है, वन अपॉन टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये रही साइन स्क्वायर बीटा टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस वन अपॉन टू कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, एलसीएम दोनों के नीचे सेम है, एलसीएम सेम आएगा, ये आएगा टू कोस स्क्वायर अल्फा और ऊपर आएगा वन माइनस, तो ये क्या आएगा टू कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, वन और वन हो चुका है यहाँ पर टू, तो ये हो गया टू माइनस टू कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन टू कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक, ऊपर देखो आप लोग क्या देख पा रहे हैं, ऊपर दो कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहां से दो कॉमन ले लेंगे और बनेगा वन माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन टू कोस स्क्वायर अल्फा। अब आप देखो टू से टू कटेगा, डेफिनेटली कटेगा, यहां पर देखो ऊपर लिख लो वन माइनस कोस स्क्वायर अल्फा क्या बन गया आपका साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे क्या है आपका, नीचे है कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक, साइन अपॉन कोस क्या बनता है टेन,
साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा क्या बन जाएगा आपके पास टैन स्क्वायर अल्फा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर यहाँ पे आना चाहिए वो आएगा टैन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, हल्का सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डरना नहीं है आप लोगों को। ठीक, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167। देखिए जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स हैं आपके, आप लोग उन्हें बताइए कि अगर वो लोग किरण पब्लिकेशन को करना चाहते हैं कंप्लीट, बिल्कुल न्यू एडिशन चला हुआ है 9500+, ज्योमेट्री भी उधर काफी सारे लेक्चर्स अपलोड हैं, अगर ज्योमेट्री करना चाहता है कोई स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री करना चाहता है, तो आप जरूर उनको सजेस्ट कीजिए कि जहां से मैं पढ़ रहा हूँ आप भी वहीं से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यही मिल रहा है धीरे धीरे, तो आप भी पढ़ते रहें और दूसरों को भी जोड़ते रहें। क्वेश्चन है आपका 167। देखिए 167वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 4। आपसे निकालने के लिए बोला गया है cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू। याद कीजिए मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p हो तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/p आएगा, रिजल्ट मैंने आपको बताया था, तो उसी रिजल्ट का मैं यूज कर रहा हूं, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/p, p क्या है 4, तो 1/4। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। ठीक है, हमें निकालना है cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा या sec थीटा। तो अगर आप लोग इन दोनों इक्वेशन को 1 को और 2 को सीधा ऐड कर दो, तो ऐड करने से क्या होगा, tan थीटा प्लस का है, tan थीटा माइनस का है, तो tan तो हो जाने वाला है कैंसिल, sec और sec ये क्या बनेगा 2 sec थीटा, जब आप इन्हें जोड़ोगे 4 प्लस 1/4 तो ये आएगा आपका 17/4। ठीक, 2 जाएगा नीचे तो फाइनली आपके पास sec थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 17/8। अब क्योंकि आपको निकालना है cos थीटा तो इसी से cos थीटा निकल जाता है, sec का उल्टा क्या होता है cos, ये हो जाएगा 8/17, तो हमारा आंसर क्या आएगा 8/17 और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अपने क्वेश्चन 168 पर, क्वेश्चन नंबर 168। देखिए क्वेश्चन नंबर 168 में बोला गया आपसे tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a इंटू cosec स्क्वायर a, 168 tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a इंटू cosec स्क्वायर a, ये वैल्यू जो है आप लोगों को फाइंड करनी है, मतलब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अब आप देखिए यहां पर सबसे पहले tan और cot में दिया हुआ है लेकिन इधर दिया हुआ है sec और cosec में। आप एक बात देखो, अब ये tan, ये cot, ये sec, ये cosec बिल्कुल अलग अलग बिखरा पड़ा है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ tan cot है, अगर हम इनको भी tan cot में कन्वर्ट कर दें, क्या हमें ऐसा फॉर्मूला पता है कि जो यहाँ tan cot बना दे, जी हाँ हमें बिल्कुल यहाँ पर पता है, तो हमें क्या करना होगा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ a है तो यहाँ भी a लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब देखिए पूरा क्वेश्चन जो है tan cot, tan cot पूरा क्वेश्चन हमारा किस में बन गया है tan cot, तो यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट की हम क्या करने वाले हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ठीक, माइनस जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से समझो 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई cot में होगी तो क्या आएगा cot स्क्वायर ही आएगा, नो डाउट, tan स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो क्या आएगा tan स्क्वायर ही आएगा, इसमें भी कोई शक नहीं, tan
स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई होगी कोट स्क्वायर ए में, याद कीजिए टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए, टेन कोट जब भी मल्टीप्लाई में हो और उनके साथ सेम एंगल हो तो कैंसिल हो जाते हैं, क्या आता है वन आता है। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्ट मिल गया वन आएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, माइनस की वजह से ये कोट जो यहां आपको प्लस दिखाई दे रहा है कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे ये प्लस का टेन इस माइनस की वजह से माइनस टेन हो जाएगा, तो माइनस टेन प्लस टेन, माइनस कोट प्लस कोट, ये हो चुके आपके कैंसिल, वन भी प्लस ये वन भी प्लस, वन और वन टू, लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो आंसर आएगा माइनस। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169। ठीक, 169, अगर सच में आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, लेक्चर में आपको बहुत मजा आ रहा है, एक एक चीज आपको समझ में आ रही है, तो दिल से एक लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, कोई कंजूसी मत करो। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आप हमारी भी हेल्प कीजिए, ठीक है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप अपनी फैमिली को मजबूत कीजिए। ठीक है, अगर आप खुश हैं तो लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, शेयर सब्सक्राइब कर दो एकदम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169, देखिए 169 में क्वेश्चन में क्या बोला, 169 में कहा गया है साइन 4 अल्फा माइनस बीटा, साइन 4 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 और कोस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो आपसे क्या पूछा गया है, साइन अल्फा प्लस टू बीटा, साइन अल्फा प्लस टू बीटा, ये वैल्यू आपसे निकलवा रहा है। ठीक है, देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, अगर हम यहां अल्फा की वैल्यू रख दें, यहां बीटा की रख दें, ठीक, तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के बाद इस एंगल को हम जोड़ लेंगे, साइन अप्लाई करेंगे उस एंगल पर, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, जो भी एंगल बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू रख देंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इधर देखो आप, ये जो है साइन 4 अल्फा प्लस बीटा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, याद करो मैंने आपको बताया था एंगल की तुलना हम कब करते, जब जब साइन बराबर साइन के हो, कोस बराबर कोस के हो, टेन बराबर टेन के हो, तो साइन में ये वैल्यू जो है वन, साइन में वैल्यू वन किसकी होती है, साइन 90 की, साइन 90 की, तो एंगल से एंगल कंपेयर कर देंगे, तो एंगल से एंगल जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, नो डाउट, इधर से जब हम करेंगे तो कोस 2 अल्फा प्लस बीटा, अब आप एक बात देखो, कोस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, आप जानते हैं कोस 60 की, इसकी कोस 60 की, तो सिमिलरली एंगल से एंगल कंपेयर कर दीजिए, क्या आएगा 2 अल्फा प्लस बीटा और बराबर कितना जाएगा आपका 60 डिग्री, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड। ठीक, अब हमें अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है, सबसे सिंपल है घटा दो इक्वेशन को, जब आप घटाओगे तो यहां पर बीटा तो है प्लस और ये क्या हो गया माइनस, ठीक, तो यहां से ये कट जाएगा क्योंकि बीटा प्लस है और यहां हो चुका माइनस, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 2 बचेगा, 2 अल्फा बराबर यहां पर 90 में 60 का कितना बचा आपके पास 30, तो 2 से काट देंगे कितनी बार कटेगा 15 बार, तो सिंपली आपके पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 15 डिग्री। ठीक है, कितना आ चुका है अल्फा आपके पास 15 डिग्री। एक मिनट, हाँ ये आपके पास आ चुका है 15 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक मिनट जरा, सॉरी यहां पर क्या था, माइनस था, यहां पर माइनस था, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस। अब हमें घटाने वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहां से इनको ऐड ही कर देंगे। ठीक है, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, डायरेक्टली इन्हें ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो 4 अल्फा और 2 अल्फा हो जाएगा आपके पास 6 अल्फा, माइनस माइनस बीटा प्लस बीटा कट जाएंगे, ये जाएगा 150, कितना जाएगा 150, जब आप 6 से काटोगे तो आप अल्फा बराबर कितना आएगा आपके पास 25 डिग्री। ठीक,
अब इसको आप चाहो तो यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में कोई सी में रख सकते हो। अगर आप सेकंड में रखो तो 2 अल्फा की जगह कितना रखोगे 25 प्लस बीटा और बराबर कितना आ गया 60, 25 दुनी 50, 50 दर घटेगा तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 10 डिग्री। ठीक, 10 डिग्री आ गई है। अब नॉर्मली हम यहां से क्वेश्चन को देखते हैं, इधर देखिए आप लोग, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25 डिग्री, ठीक, ये कितनी है बीटा 10, यहां पर 10 है, बीटा के साथ 2 है तो जब 10 इंटू 2 रखेंगे कितना जाएगा 20। ठीक, तो यहां से आपके पास जाएगा 20 और 25 45, और साइन 45 की वैल्यू आप सभी जानते हैं कितनी होती है 1/√2। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 1/√2। जल्दी से आप क्वेश्चन को जो है नोट करके चलें, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में क्रिटिकल लग सकते हैं लेकिन यकीन मानिएगा आप लोग क्वेश्चन क्रिटिकल नहीं है, आपकी सोच इनको देख करके खराब हो सकती है लेकिन नहीं, कॉन्सेप्ट से पढ़े समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 170। क्वेश्चन नंबर 170, देखिए 170 में दिया हुआ है आपको, 170 में दिया हुआ है कोस 21 डिग्री, कोस 21 डिग्री बराबर है एक्स अपॉन वाई के, वैल्यू आपसे निकलवा रहा है कोसेक 21 डिग्री माइनस कोस 69 डिग्री, कोसेक 21 डिग्री माइनस कोस 69 डिग्री, ये वैल्यू आपसे निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है जी, हाँ देखिए, सबसे पहले हमारे पास कोस 21 है, यहां पर है कोसेक 21, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, कोसेक 21 है इसका मतलब साइन 21, ऐसे मान के चलो कोसेक 21 है इसका मतलब साइन 21, आपके पास क्या कोस 21, तो कोस से क्या हम साइन निकाल सकते हैं, कोस 21 से क्या हम साइन 21 निकाल सकते हैं, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो साइन 21 डिग्री, याद कीजिए लास्ट में मैंने आपको क्या बताया, मैंने भी आपको एक क्वेश्चन में बताया था ये होता है आपका ए और ये होगा के, कोस में ये आधार और ये कर्ण, हमने वहां पे क्या किया था कर्ण का स्क्वायर किया था, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है वाई, ठीक, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा था, आधार क्या है एक्स, तो एक्स ये घटा दिया, फिर हमने लास्ट में लिया था स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ले लिया और नीचे क्या आएगा आपका कर्ण ही आएगा, यानी के नीचे जाएगा आपका वाई, तो फाइनली आपके पास क्या आएगा रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक, चलिए हमारे पास साइन 21 भी आ गया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक 21 डिग्री माइनस, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम ध्यान दो मैं एक एक चीज बता रहा हूं, कोस 69 डिग्री है, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 21 डिग्री लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 21, क्योंकि 90 माइनस 21 क्या आएगा 69 ही आएगा। ठीक, तो हमने इसको cos 90 माइनस 21 लिख लिया और cos 90 माइनस थीटा बन जाएगा sin थीटा, तो यहां से आ गया आपके पास sin 21 डिग्री, cosec 21, cosec 21 मतलब sin 21 का उल्टा, sin 21 का उल्टा y अपॉन, इस वैल्यू को उल्टा कर देंगे y अपॉन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस sin 21 की वैल्यू क्या है डायरेक्टली आप देख पा रहे हैं y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन y। ठीक है, अब सॉल्यूशन करेंगे इसका, सॉल्यूशन कैसे होगा y की y मल्टीप्लाई करेंगे तो y की y मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा y स्क्वायर। ठीक, ये पूरी वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करेगी, दोनों वैल्यू क्या है सेम, ठीक, रूट में है ये भी रूट में है, तो जब दो वैल्यू की रूट में हो सेम हो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लिया रूट दो इंटू रूट दो, आप सभी जानते हैं केवल क्या आएगा 2, तो सिमिलरली यहां पर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे y इंटू
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहां पर अब आप एक चीज देखो, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस है, माइनस प्लस जाएंगे कैंसिल, ये माइनस माइनस जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं क्या आपका आंसर, जी बिल्कुल, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 171। देखिए 171 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी 171 क्वेश्चन है आपका। 4 cos square theta माइनस 4 cos theta प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो tan theta माइनस 45, सॉरी tan theta माइनस 15 है, ये वैल्यू हमें निकाल, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कैसे निकाल, सबसे पहले अच्छा आप एक बात ध्यान दो, यहां पर हमें थीटा दे दिया, ठीक, अगर हम इस थीटा को निकाल लें, उसमें से 15 घटा दें, तो घटकर जरूर पक्का चांस है कि एक ऐसा एंगल बनेगा जिसको आप टेबल से जानते हो, ठीक है, 60 45 जो भी बचे घट करके, तो आप उसको डायरेक्टली टेबल से देख करके लिख सकते हो। तो इसका मतलब आपका मेन टारगेट क्या है यहाँ पर, थीटा को फाइंड आउट करना। अगर आप थीटा निकाल लो तो थीटा यहाँ रखोगे, थीटा से 15 घटाओगे, आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इसको आप ध्यान से देखो, 4 cos square theta minus 4 cos theta plus 1, ये क्या बना हुआ है, ये फॉर्मूला बनेगा 2 cos theta, ठीक, 2 cos theta minus 2 का माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 cos theta minus 1 का होल स्क्वायर, और बराबर क्या बनेगा 0, ये फॉर्मूला आपका यहां से बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम 2 cos theta minus 1 बराबर क्या रख लेंगे 0। अब देखिए पावर 2 है, वैसे तो दो ब्रैकेट बनेंगे आपके, 2 cos theta minus 1 ब्रैकेट तो दो बनेंगे, लेकिन दोनों से ही वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, तो इसलिए हम एक ही ब्रैकेट को डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 cos theta ये माइनस 1 इधर जाकर क्या हो गया प्लस 1, 2 जाएगा नीचे, तो cos theta is equal to आएगा 1/2, और cos theta 1/2 वैल्यू होती है यहाँ पर cos 60 की, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या आ गया आपके पास 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। अब हमें निकालना था क्या, tan थीटा माइनस 15, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60, 60 में से क्या घटाओगे 15, तो tan कितना बचेगा 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, तो इस तरीके से हमारे क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए सारे बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाए हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को पॉइंट टू पॉइंट मैंने क्लियर किया है, जितने हो सके मैंने आपको शॉर्ट कराने की कोशिश की है ऑलवेज, और जितना हो सके मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया तो इसका मतलब आपकी गलती है, आप लोग क्या करें वीडियो को रिपीट करके देखें। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप पहले लेक्चर से स्टार्ट करें जहां से मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, इतना बेसिक से स्टार्ट किया कि अगर आपने आज तक त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगी डेफिनेटली, ठीक है। तो आप वहां से देखें लेक्चर 1 से, पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ज्योमेट्री की भी ट्रिग्नोमेट्री की भी, हर चीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप जाएं सारे वीडियो आपके साथ मिलेंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।